ए सरोज, आ सुनो, अब बड़की दीदी की पतोहिया को देखी हो? कैसे नाक सिकोड़ सिकोड़ के बतिया रही थी। बुझा रहा था कि उनसे ढेर एडवांस कोई है ही नहीं, हम तो बोलबो नहीं किए। लव मैरिज कराएंगे तो यह कुल ना होगा। आ हम तो अपना सोनुआ से बोल दिए हैं कि ना, लव मैरिज अब फब मैरिज का लगन नहीं लगेगा हमारा घर में। दादा अब बताइए, सुखलाइन की लड़की एकदम बेहाया हो गई है। गजनी कौन लड़का के साथ बाजारी में घूम रही थी, बेशरम हो गए हैं सब। हमारी लड़की ना कब छतों पर नहीं जाती है ना, सड़कियों पे नहीं निकलती है। गजनी इन सब के माई बाबू इन सबको क्या सिखाते हैं जी? हमारा सुनवा ना बहुत नीक है इन लोगों के लड़का लोग से। और हमारे लड़का जितना इज्जत कर देंगे सबना मेहमान का, उतना केहुए नहीं कर पाएगा। हम अपना सनुआ को ना बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं, इन लोग के जैसा ना ही कि सुटर सुटर बोलेगा बड़ बड़ लोगन में। आए दीदी, आपका साड़िया बड़ा सुंदर लग रहा है, कहाँ से ली है? हमारे लिए भी यही में कहो मंगवा दीजिए ना। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, हम इसे बोले थे लेकिन ये सुनते हैं। रूबी दीदी आपका बॉयफ्रेंड है तो कुसुम दीदी हम तो मान ही नहीं सकते कि आपका नहीं है। ये दीदी जितना फैशन करना है ना शादी के पहले कर लीजिए, कहे कि शादी के बाद तो सब बेकार है। लड़की को इतना दूर भेजे हैं पढ़ने को? आय दादा दिल्ली, क्या जरूरत है जी लड़की को इतना दूर पढ़ाई करने का? ऐजे बगलिए में कॉलेज है, ऐजे एडमिशन करा देना चाहिए, माई बाबू का नजर न रहता है। नहीं तो आजकल की लड़की लोग ना इज्जत में आग लगा दे रही हैं। हाँ क्या जरूरत है डॉक्टरी का पढ़ाई कराने का लड़की लोगों को? बीए में करा दो। हाँ बीए ही न करना है। अब 22 साल, 22 साल की हो गई रिंकिया, तब तो लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। अब ना तो कब एगो बढ़िया सरकारी नौकरी वाला लड़का देखे है तुम्हारे मामा? हाँ लड़का बहुत सुंदर और सुशील है, एक भाई का घर है, और का चाहिए। 8 बजे लड़की लोगों का रहन है उठने वाला, ससुर जाओगी तो नाक कटवाओगी हम लोगों का। ए मधु देखो कैसे सुटुर सुटुर जुबान लड़ा रही है, हंसो मत, आज नहीं बोलोगी ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। हम गलत बात नहीं बोलते हैं। खाना बनाने नहीं आता है? आई दादा इतना बड़ा हो गया खाना बनाने नहीं आता है, ऐसा कैसे काम चलेगा जी? नहीं आता तो सीखो, दिन भर तो मोबाइले में लगी रहती हो तो कहाँ से सीखोगी? प्रतिभा दीदी की लड़कियों को नहीं देखी है? दिन पर दिन उनका कपड़ा छोट होता जा रहा है, अब बड़ा हेती हेती करवा ली है। अब पहले जींस पहनती थी, अब स्कर्ट पहन रही है, कोनो लाजे शर्म नहीं है। आप फिर बताइए, गांव देहात में ही कुल कपड़ा पहनता है आदमी, पूरा गोड़ लौक रहा था। और अगर आप भी बिहारी है ना, आई वीडियो देख के आपको अपने रिश्तेदार का याद आता है, तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करिए। नहीं रोली कर दिया तुमने, रुको ना हम सेटिंग तो कर लें। एक चुंगम खा रहे हैं यार, लेकिन टिश्यू दे दो यार, टिश्यू दे दो। कहाँ से ली है? हम करो के गलत हो गया।